नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार तीन का सवाल है इट सेज वैक्टर्स ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वैक्टर डिफरेंसेज इन दैट केस द फोर्सेज ऑप्शन नंबर ए इज दे आर इक्वल टू ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड ऑप्शन नंबर सी सेज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड ऑप्शन नंबर डी है इट कैन नॉट बी प्रोडेक्टेड नाउ इस सवाल में जो हमें दिया है कि वैक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस सो अस से अपने दो फोर्सेस हैं उनको हमने कहा एंड बी सो अपने को यहाँ पे गिवन है कि ए प्लस बी वैक्टर ये जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वैक्टर ये दो वैक्टर्स हैं और ये इनका सम जो है वो परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस पे। अब हमें इसके ऊपर कमेंट करना है ए और बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं राइट सो right. so, दो वेक्टर अगर ए प्लस बी करके एक वेक्टर आएगा ए माइनस बी करके वेक्टर आएगा और अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए विच मीन्स ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो अगर इसको हम एक्सपैंड करें सो दिस विल बी ए डॉट ए फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए डॉट बी यहाँ वैक्टर प्रॉपर्टीज़ का यूज करने वाले हैं प्लस uh, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी बी डॉट ए प्लस ये आ जाएगा माइनस बी डॉट बी वैक्टर नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो ए डॉट ए वैक्टर क्योंकि दोनों वैक्टर ए की डायरेक्शन में है तो दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज ए स्क्वायर ए डॉट बी और ए बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा माइनस दिस कैन बी रिटर्न एज बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच एम्प्लाइज ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड नाउ इस बेसिस पर हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी दे आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होएगा नाओ बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो क्यों सही आंसर नहीं है लेट्स हैव आर डिस्कशन ऑन देट एज वेल ऑप्शन नंबर ए कहता है कि दे आर इक्वल टू ईच अदर नाउ ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आया है ये दो फोर्सेस जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम आया है अगर इन दोनों को इक्वल वेक्टर होना है तो इनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए वो हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते सो ऑप्शन नंबर ए विल नॉट बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड जो कि ऑब्वियसली गलत है ऑप्शन नंबर डी भी ऑब्वियसली गलत है सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर